नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 16 अपना चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 16.4 आज आपके लिए लेकर आई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोले की परिभाषा, गोला कहते कैसे हैं। वह ठोस जिसमें केवल एक तल होता है तो और इसके प्रत्येक तल का प्रत्येक और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं तथा केंद्र से गोले के किसी बिंदु की दूरी को गोले की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद के आकार का कोई भी गोला, जैसे आपके पास गेंद जो होती है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहां पर, इसका जो केंद्र होगा वह ऐसा बिंदु होगा जिससे इस गेंद को कहीं भी अगर आप सीधी रेखा से जोड़ें तो सारी की सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर, जिसे अपने किसके द्वारा दर्शाएंगे, आर के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये हो गया गोले की परिभाषा। एग्जांपल देख लेते हैं जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले अपने पास जो एग्जांपल दिख रहा है वो किसका है, बास्केटबॉल का है। तो ये भी कैसी होती है, गोल की जैसी। जो क्रिकेट बॉल होती है वो भी किसका उदाहरण है, गोले का, एक ठोस गोला है ये क्रिकेट बॉल भी। फुटबॉल है वो भी क्या, एक गोला होता है जो किस प्रकार का, अंदर से खोखला है। और इसी प्रकार जो पृथ्वी या अन्य जो ग्रह उपग्रह आपको दिखाई देते हैं, जो प्राकृतिक ग्रह उपग्रह हैं, वो सब किसके उदाहरण है, गोले के उदाहरण होते हैं। उसके बाद है गोले के विभिन्न सूत्र, कि गोले के कौन कौन से जो फॉर्मूला होते हैं जो अपने काम में आते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम दिख रहा है, हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो इस आर त्रिज्या के गोले के लिए जो इसका आयतन हो गया वो हो गया गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले क्या हो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या आ गया अपना, 4πr² 4πr² हो गया। इसी प्रकार अगर आर त्रिज्या के गोले की बजाय क्या अपने पास अर्धगोला हो तो ये क्या होगा अपना आयतन 2/3 πr³। क्या किया हमने, गोले के आयतन को आधा कर दिया, क्योंकि अब गोला भी क्या है अपने पास, अर्धगोला है। तो 4/3 का आधा हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कौन सा है, ये जो पृष्ठ है जो मुड़ा हुआ है कौन सा है, वक्र पृष्ठ है। अगर ये अर्धगोला हो तो ये जो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 2πr² और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो तो यहां से इसको अगर कट करेंगे तो यहां पर एक वृत्त भी और बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो 2πr पहले था, अब की बार एक और जुड़ गया, क्या बन गया, ये πr² और जुड़ गया, कितना बन गया, 3πr². तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 3πr² हो गया। इसी प्रकार जो नीचे डायग्राम है उसकी तरफ अगर ध्यान दें, ये क्या है, अंदर से खोखला गोला है। तो इसमें दो कोश हो गए, बाहरी कोश और भीतरी कोश। अगर जो बाहरी आवरण है उसकी त्रिज्या r1, अंदर वाली त्रिज्या क्या है, r2 है। तो गोलीय कोश का आयतन कितना होगा, 4/3 πr³ - r2³। इसी प्रकार गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr₁²-r₂²। तो ये थे गोले, अर्धगोले और जो खोखला गोला है उससे संबंधित विभिन्न सूत्र। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले गोले की त्रिज्या दीर्घ कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो हम वैल्यू लिख देते हैं 4 × 22/7 × 1.4 क्या इसकी त्रिज्या है। तो 4 × 22/7 × 1.4 × 1.4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार जब हम गोले का आयतन निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³, तो वैल्यू रख देते हैं 4/3 π की वैल्यू 22/7 × 1.4³ रख देते हैं। तो जब इनको अपने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये आएगा 11.49 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr², सबसे पहले यहां से क्या करते हैं गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4π, इस पूरे का क्या होगा, होल रूट होगा। वैल्यू अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616, तो 616/4π/4, तो पाई की जो वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, 22/7, तो 7 ऊपर आएगा, 22 क्या आएगा अपना रिवर्स होके नीचे आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे
तो ये है अपना 28 × 7/4 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, ये 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई अपनी 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आर की वैल्यू है तो 4/3 पाई आर क्यूब में आर की वैल्यू रख लेंगे और हमें इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा जो कि कितना है अपना 1437.33 घन सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भी एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आपको, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो इसके संपूर्ण पृष्ठ का, तो क्या फॉर्मूला होता है 3πr² होता है, 3πr² तो 3 × 22/7 × 4.5 का वर्ग, तो ये आ गया वैल्यू 190.93 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार अर्धगोले का अगर आयतन निकालना हो तो 2/3πr³ होता है, तो 2/3 × 22/7 × 4.5 की क्यूब, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 190.93 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया अर्धगोले से संबंधित एक क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपको जो भी आकृतियां दी हुई है सबसे पहले उनके क्या निकाल लेते हैं, अपने आयतन निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू रख देंगे पाई इंटू आर की वैल्यू 4² × 10 दिएगा 160 पाई, ये इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या बनानी है, हमें गोले बनाने, तो इस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले आयतन निकाल लेते हैं 4/3 × πr³ 4/3 × π × 2³ ये आ गया 32/3π घन सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया अपने 32/3π घन सेंटीमीटर, तो हो गया गोले का आयतन। बेलन का आयतन हम निकाला था 160π, तो अब इस बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन, तो 160π/32π/3 जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 15। तो 15 गोले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन निकाल लेंगे, तो 4/3πr³ 4/3 × π आर की वैल्यू 9 है तो 9 की क्यूब, जब इसे सोल्व किया हमने तो 972π घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार शंकु के लिए इसका आयतन निकाल लेंगे 1/3πr² h, तो 1/3 × π आर की वैल्यू 3, क्योंकि किसकी आयतन है, शंकु की क्या है ये त्रिज्या, तो 3² × h इसकी हाइट होगी 6, तो जिसे सोल्व किया तो आ गया 18π। अब क्या करेंगे गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे देंगे, तो 972π/18π, तो ये आ गया अपना 54। कितने घन बनेंगे, 54 घन बन जाएंगे, घन बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो माना धातु के बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तथा छोटे गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बड़ा बराबर होगा, तो जो बड़ा गोला है उसका आयतन बराबर 8 × छोटे गोले के आयतन, तो 4/3πr R³ बराबर 8 × 4/3πr π r³। तो 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो R³ = 8 × r³। कैपिटल आर का मान हमें पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10³ = 8 × r³। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास R³ = 1000/8 = 125, तो R बराबर क्या हुआ 125 का घनमूल, जो कि कितना होता है 5 होता है। तो अतः अब अपना जो छोटे गोले थे उसकी हमें क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई 5 सेंटीमीटर। तो जो छोटे गोले हैं प्रत्येक उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, तो 4 × 22/7 × 5 × 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 100π घन सेंटीमीटर, या इसको आगे अपने सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी का कितना ऊपर चढ़ेगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है इस प्रकार से, इसमें हमने ये गोला इस पानी में डाल दिया, हमें याद करना है भी हाइट कितनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 6/2 = 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गोले का आयतन यहाँ से हमें ज्ञात
कर लेते हैं। तो इसी प्रकार गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुना पाई गुणा में 3 की क्यूब, तो ये आ गया 36 घन सेंटीमीटर। ये किसकी किसका आ गया, गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुणा, तो बेलन का व्यास कितना था 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो 6 की स्क्वायर गुणा में एच, तो ये हो गया अपना 36 पाई एच। अब क्या करेंगे, गोले का अगर आयतन निकालना है तो जितना अपने पानी ऊपर उठेगा उसी के आयतन के क्या होगा बराबर, तो 36 पाई बराबर क्या हो गया 36 पाई एच, तो यहां से 36 पाई से 36 पाई कैंसिल हो गया, एच क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी बढ़ेगी इसकी 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखे 43 और 42 सेंटीमीटर, यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो बर्तन पर रंग करवाने की टोटल लागत हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिज्या आर वन आर टू मान लेते हैं, तो व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, तो आर वन कितनी होगी 43/2 बराबर 21.5 सेंटीमीटर, आर टू कितनी होगी अपनी 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो क्या होगा 2πr1² और जो आंतरिक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2πr2². तो बाह्य रिंग का क्षेत्रफल क्या हो गया अपना, इसी प्रकार πr1² माइनस πr2², तो अब कलर इसके प्रत्येक तरफ होगा, तो टोटल रंग करवाने के लिए क्षेत्रफल है वो हो गया अपना 2πr1² प्लस 2πr2² प्लस πr1² माइनस πr2², तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे 3πr1² और 3 ये बचेगा πr2², तो पाई कॉमन हो गया, पाई ब्रैकेट में 3r1² प्लस r2² अब अपने पास वैल्यू, जिसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो 22/7 गुना 3 गुना r1 21.5 का वर्ग प्लस r2 21 का वर्ग, जब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22/7 गुना 1827.75 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें रंग करवाना है, उसकी दर दे रखी है 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, पैसे को अगर रुपए में बदले कितना आएगा 0.07, तो इसके साथ इसको गुणा कर देंगे तो 22/7 गुना 1827.75 गुणा में 0.07, जब इस पूरा का कैलकुलेट करेंगे तो ये उत्तर आएगा अपना 402.11 रुपए, कि इस पूरे जो अर्धगोलीय जो बर्तन था उस पर सभी तरफ रंग करवाने का खर्चा कितना हो गया 402.11 रुपए। तो ये था हमारा गोले का पृष्ठ आयतन और क्षेत्रफल, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।